हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्रैकर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लेके आए हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। 8 इज रिलेटेड टू 96 इन द सेम वे 7 रिलेटेड टू विच नंबर। 8 96 के साथ किस तरह से रिलेट करेगा, 7 भी उसी तरह से रिलेट करेगा उस नंबर के साथ। तो अगर हम 8 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाता है 96। तो यहां पर ठीक उसी तरह से हम 7 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें और हमें मिलेगा 84। तो हमारा 84 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहां देखते हैं 62 64 को रिलेट कर रहा है, उसी तरह से 53 भी किसी नंबर को रिलेट करेगा। अब 62 में हम 2 ऐड कर दे तब तो 64 बनेगा, इसमें 2 ऐड कर दे 55 बनेगा। 62 का स्क्वायर 64 नहीं है तो क्या होगा कि हमें यहां पर 64 मिले। अगर हम यहां पर 6 माइनस 2 करें हमें मिलेगा 4, और फिर 4 का क्यूब कर दें तब हमें मिल जाएगा 64। मतलब 6 माइनस 2 से हमें मिलेगा 4, 4 का क्यूब करें हमें मिलेगा 64। उसी तरह से 5 माइनस 3 हमें मिलेगा 2, हम 2 का क्यूब कर दे हमें मिलेगा 8, और 8 हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं 24 से हमें मिल रहा है 60, अब 210 से हमें क्या मिलेगा। उसी तरह से 24 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है 72, उसके बाद इसका हाफ सब्ट्रैक्ट कर दें वो मिलता है 60, लेकिन यहां पर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो मिलेगा 630, उसके बाद इसका हाफ 105 कम कर दें तब हमारे ऑप्शन में वो किसी हिसाब से नहीं मिलेगा। 630 माइनस 105 वो हमारे ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई और फॉर्मूला यूज किया गया है। तो और फॉर्मूला क्या है, देखिए 24 स्क्वायर के पास है 25, लेकिन ये नहीं है किसी स्क्वायर के पास, ये 64 से दूर है। तो क्यूब के साथ देखते हैं, हम अगर इसको लिखते हैं 3 क्यूब तो 3 क्यूब माइनस 3 हमें मिलता है 27, 3 का क्यूब मिलेगा 27 माइनस 3 24। इसी तरह से ये किसके क्यूब के पास होगा, हम लिखेंगे इसको 4 क्यूब माइनस 4, 4 क्यूब बनेगा 64 माइनस 4 60 बनेगा। अब इसको देखते हैं ये किसके क्यूब के पास मिलेगा, 6 क्यूब माइनस 6, 6 क्यूब होगा 216 माइनस 6 210। तो इसी तरह से ये बनेगा, 3 के बाद हमें मिल रहा है 4 तो 6 के बाद हमें मिलना चाहिए 7, 7 क्यूब माइनस 7, और 7 क्यूब होता है 343 माइनस 7 तो ये मिल जाएगा हमें 336, और हमारा ऑप्शन सी 336 हो जाएगा राइट ऑप्शन। यहां पर देखते हैं 36 324 को कैसे रिलेट करता है, उसी तरह से 49 रिलेट करेगा इनमें से किसी एक ऑप्शन के साथ। अगर हम 36 का स्क्वायर रूट ले लें पास 6, अब इस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 18, और उस 18 का स्क्वायर करें वो हमें मिलेगा 324। सेम प्रोसीजर यहां पर, यहां पर क्या है 49, तो 49 का स्क्वायर रूट 7 मिलेगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 21। अब 21 का स्क्वायर होगा 441, अगर 441 हमारे ऑप्शन में है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर सबसे पहले स्क्वायर रूट लेना है, 36 का स्क्वायर रूट लिया 6 आया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 मिला, 18 का स्क्वायर किया ये रहा 324। उसी तरह से 49 का स्क्वायर रूट लिया 7 आया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 बना, 21 का स्क्वायर लिया 441, और ऑप्शन डी हमारा सही है। हमारे अगले क्वेश्चन में है 15 रिलेट कर रहा है 225 226 के साथ, तो 17 किसके साथ रिलेट करेगा। अगर हम फ्रेंड इसको ध्यान से देखेंगे तो 15 का स्क्वायर होगा 225, लेकिन उसके बाद है 226, तो 15 का स्क्वायर
225 और उसमें एक ऐड किया तो हमें मिला 226। इसी तरह से 17 का स्क्वायर मिलेगा हमें 289 और 289 में एक ऐड कर दें तो हमें मिलेगा 290, 290 और ये हमारा ऑप्शन है बी, तो यही सही ऑप्शन है। हमारे अगले क्वेश्चन में है 49 से हमें मिल रहा है 169, तो इस क्वेश्चन मार्क से हमें 121 कैसे मिलेगा? हम देखेंगे इसका स्क्वायर है 7 स्क्वायर, यह है 13 स्क्वायर, तो यहां हम क्या लिखे कि हमें 121 मिले। 7 के बाद 13 जा रहा है, उसके बाद 11 है, तो 11 से पीछे हमारा कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। लेकिन अगर हम 4 प्लस 9 करें वो मिलेगा हमें 13, और 13 का स्क्वायर यह है 169, हमें मिल रहा है 169। तो इसी तरह से किस नंबर के डिजिट का स्क्वायर 121 होगा? तो अगर हम यहां पर देखें तो 4 प्लस 7, 4 प्लस 7 है 11, 11 का स्क्वायर हमें मिलेगा 121, और 121 ये है, इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही है। हम यहां पर इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, 13 बन रहा है, उसका स्क्वायर 121 नहीं आएगा, 11 का ऐड करके 2 मिलेगा, 13 का ऐड करके 4 मिलेगा, तो हमारा ऑप्शन 4 प्लस 7 11 का स्क्वायर 121 होगा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, 11 से हमें मिल रहा है 1210, तो किस नंबर से हमें यहां पर इनमें से ये वाला नंबर मिलेगा? अगर हम 11 का क्यूब करें तो हमें मिलेगा 1331, और उसमें से 11 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब 1331 माइनस 121, तो ये मिलेगा हमें 1210 ये वाला। उसी तरह से हम 8 का क्यूब से 8 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 8 का स्क्वायर 8 माइनस 1 7, 64 × 7, और 64 से 7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 448। 8 से हमें मिल रहा है 448 और ये हमारा ऑप्शन है। यहां पर किसी से भी हमें क्यूब करके ये नंबर नहीं मिलेगा, क्यूब करेंगे और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पर भी इसका क्यूब है, इसका भी क्यूब करके स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करके ये नंबर नहीं मिल रहा है, सिर्फ इसी से ही मिल रहा है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं 6 से हमें 30 कैसे मिल रहा है। हम 6 का अगर स्क्वायर करें और फिर 6 ही काम कर दें तो 36 माइनस 6 हमें मिल रहा है 30, तो 7 का अगर हम स्क्वायर करें फिर 7 सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब 49 माइनस 7 हमें मिलेगा 42, और 42 हमारा आंसर हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, 49 के बाद हमें मिल रहा है 81, तो 100 के बाद क्या मिलेगा? देखिए 49 है 7 का स्क्वायर, 7 के स्क्वायर से हमें मिला 9 का स्क्वायर, इसी तरह से 10 स्क्वायर बनेगा 100, तो 10 के स्क्वायर के बाद हमें क्या मिलेगा? 7 के बाद है 2 का डिफरेंस 9, तो 10 के बाद आएगा 2 का डिफरेंस 12 स्क्वायर, और 12 स्क्वायर होता है 144, हमारा ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। 32 से हमें 13 मिल रहा है, तो इन दोनों में क्या ऑप्शन होगा? 32 को हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें हमें 13 नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर हम इन दोनों डिजिट को ब्रेक कर लें, मतलब 3 स्क्वायर और यहां से 2 स्क्वायर, तो क्या कोई रिलेशन मिल सकता है? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों को ऐड कर लें तो हमें मिल रहा है 13, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो यहां पर किन दो नंबर का सम ऑफ द स्क्वायर उसके अगले नंबर के बराबर होगा? देखिए 8 प्लस 3, तो हमें 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस 9 कर दूं तो 121 नहीं मिलेगा, वो कम रहेगा। इसी तरह से 7 का स्क्वायर आएगा 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1, वो 50 मिलेगा, 81 नहीं मिलेगा। इसी तरह से यहां पर 4 का स्क्वायर 16 होगा और यहां पर 7 का स्क्वायर 49, हम दोनों को ऐड करें तो
ऐड करें तो हमें मिल जाएगा 65, 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 16 65, और ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां पर देख लेते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26 बनेगा, लेकिन हमें यहां पर 36 चाहिए, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है, तो ऑप्शन डी सिर्फ ठीक है। अभी यहां पर देखते हैं 49 16 के साथ, तो 169 किसके साथ होगा, देखिए तीनों नंबर्स स्क्वायर हैं किसी के, ये है 7 स्क्वायर और ये है 4 स्क्वायर, मतलब 7 स्क्वायर से हमें 4 स्क्वायर मिला, तो 13 स्क्वायर से हमें क्या मिलेगा, 7 माइनस 3 किया हमने तब 4 मिला, तो यहां पर भी हम माइनस 3 कर लेते हैं तो बनेगा 10, तो 10 का स्क्वायर मिलता है हमें 100 अगर ऑप्शन में होगा तो सही हो जाएगा, और यह है हमारा ऑप्शन बी। यहां से देखिए 23 से हमें 125 मिल रहा है, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तब नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे 2 प्लस 3, इसका क्यूब कर लेंगे, तो 2 प्लस 3 का क्यूब 5 क्यूब, वो होगा 125। यहां पर देखते हैं 3 प्लस 7 इसका क्यूब, 3 प्लस 4 का क्यूब, तो 7 क्यूब, और 7 क्यूब होता है 343, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहां देखते हैं 16 से 272 कैसे रिलेट कर रहा है, तो 16 का स्क्वायर होता है 256, और उसमें अगर हम फिर से 16 ऐड कर दें तो बन जाता है 272, मतलब 16 स्क्वायर प्लस अगेन 16 हमें मिलेगा 256 प्लस 16, ये बन जाएगा हमारा 272, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे 22 स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर होगा 484, और फिर 22 ऐड कर दें तो हमें मिलेगा 506, और 506 यहां पर है, और ये हमारा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन में हमें 6 से 15 मिल रहा है, तो 35 से क्या मिलेगा, देखिए 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 6 2 जार 12 प्लस 3, तो 75 2 जार 35 2 जार 70 प्लस हम क्या करें यहां पर 3 73, हमारे पास नहीं है, कुछ और फॉर्मूला होगा, हम यहां पर लिखेंगे इसको 2 इंटू 3, इसके फैक्टर बनाएंगे 2 इंटू 3, और इसके बनेंगे 3 इंटू 5, अब इसके बनेंगे 5 इंटू 7, तो क्या हो रहा है 2 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 5 फिर 5 के बाद 7, अब 7 के बाद यहां पर क्या मिलेगा, 7 के बाद 9 7 9 63, लेकिन 63 हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा फिर 7 इंटू अगर 11 है तो 7 इंटू 11 बन जाएगा 77, और हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स 7 के बाद 11 क्यों आएगा, 7 के बाद 11 आएगा ये है हमारा प्राइम नंबर से, 2 प्राइम नंबर 3 प्राइम नंबर 3 के बाद 5 प्राइम नंबर 5 के बाद 7 प्राइम नंबर 7 के बाद 11 प्राइम नंबर, तो यहां पर जो फैक्टर है वो सभी प्राइम फैक्टराइजेशन से आए हुए हैं, 2 के बाद 3 प्राइम नंबर है 3 के बाद 5 है 5 के बाद 7 है 7 के बाद 11 है, और 11 इंटू 7 हमारा ऑप्शन में है। अब ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं, 24 से हमें मिल रहा है 416, इसी तरह से 46 से क्या मिलेगा, हम 24 का स्क्वायर करें वो भी 416 नहीं होगा, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तब भी नहीं होगा, लेकिन अगर हम इनके डिजिट को ब्रेक करके मल्टीप्लाई करें, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, तब क्या होगा, और उसके बाद 2 का स्क्वायर मिलेगा हमें 4, 4 का स्क्वायर मिलेगा 16, और ये हमारा ऑप्शन बन रहा है, यहां पर आंसर बन रहा है। इसी तरह से यहां पर देखते हैं 4 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16, 6 का स्क्वायर बन जाएगा 36, 1636 हमारा राइट ऑप्शन है। देखिए फ्रेंड्स 2 का स्क्वायर 4 लिखा, 4 का 16 लिखा, 4 का 16 लिखा, 6 का 36 लिखा, और यही ऑप्शन था।
ये था आज का वीडियो रीजनिंग के ऊपर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, क्योंकि चैनल की सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे और उसके बाद ऑप्शन में जाके ऑल प्रेस करोगे तो आपके पास एकदम से वीडियो अपलोड होने के बाद नोटिफिकेशन चली जाएगी, जिससे आप वीडियो एकदम से देख पाओगे। थैंक यू।